ये है बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, मगर एक और सरकार हर तरह का इलाज लगभग 80% फ्री का दावा करती है। आज आप बता दें कि जब टीम सावधान इंडिया 077 की स्पेशल ऑपरेशन क्या, तो ये फोटो आपको प्रमाणित करेगी कि ट्रामा सेंटर के पास स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स के ऊपर साफ शब्दों में लिखा है, रात को 10 बजे यह सुविधा बंद है। आखिर रात की महिलाएं, माताओं और बहनों को रात 10 बजे के बाद इस सुविधा के लिए किस किस परिस्थिति का सामना करना पड़ता होगा। रात के अंधेरे में लूट खसोट या अन्य कई अपरिहार्य घटनाओं का सामना भी एक भय बना है। ट्रामा सेंटर पर ऊपर लिखा है निःशुल्क सेवाएं, मगर ठीक 15 इंच की दूरी पर लिखा है कि टॉयलेट के 5 रुपये और बाथरूम के 10 रुपये। अब माताओं बहनों को केवल पेशाब करने के भी 5 रुपये देने होंगे, तो फिर निःशुल्क सेवा क्यों लिखा है? यह सब पीबीएम प्रशासन के नाक के नीचे किन नियमों के तले हो रहा है? आज यह मांग टीम के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन ठाकुर दिनेश सिंह भदौरिया ने विशेष रूप से संभागीय आयुक्त जिलाधीश महोदया के समक्ष उठाई है कि नारी के सम्मान या उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात भर यह सुलभ कॉम्प्लेक्स खुला क्यों नहीं रखा जाता? केवल यूरिन की सुविधा के 5 रुपये सवाल निशान पैदा करते हैं। वहीं उसी स्थान पर निःशुल्क सेवा लिखने का उद्देश्य भी अचंभित करता है। ठाकुर भदौरिया ने पीबीएम प्रशासन से 1 सप्ताह में इस समस्या के समाधान, यानी रात को ये भी कॉम्प्लेक्स खुला रहे और यूरिन त्याग की सुविधा निःशुल्क की जाए, अन्यथा मजबूरी में पीबीएम अधीक्षक का घेराव आमजन के सहयोग से किया जाएगा। नमस्कार, मैं इस समय बीकानेर के सबसे बड़े संभाग के अस्पताल पीबीएम के स्थित ट्रोमा सेंटर के पास खड़ा हूँ। ट्रोमा सेंटर से मात्र 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर भी नहीं, यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। आप देखेंगे मेरे ठीक पीछे लिखा हुआ है निःशुल्क 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध, साथ में लिखा है टॉयलेट के 5 रुपये, बाथरूम के 10 रुपये। और एक तरफ सुलभ कॉम्प्लेक्स है, उसमें लिखा है सुबह 4 बजे से 10 बजे तक, रात के 10 बजे के बाद महिलाएं कहाँ जाएंगी? ये बड़ा ही सोचनीय विषय है। एक तरफ सोनोग्राफी, MRI, CT स्कैन, X-ray तमाम जाँचें सरकार फ्री कर रही है, दवाइयाँ भी फ्री दे रही है, लेकिन दुख का विषय यह है कि यहाँ पर पेशाब के भी पैसे लिए जा रहे हैं, वो भी 5 रुपये लिखा हुआ है, साथ में निःशुल्क भी लिखा है। ये दो तरफ की कार्रवाई, यानी कि भ्रमित करने का काम। कोई भी लेबर आती है तो वो अब उसकी यदि चल गई 5 रुपये मिल गए तो बहुत बढ़िया, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। संपर्क अधिकारियों से कोशिश करने की कोशिश की बस्ती टाइम्स ने, लेकिन सेमिनार में बताए गए एक तरफ जहाँ निःशुल्क लिखा हुआ है उसके बाद पैसे क्यों, पेशाब के भी पैसे, और रात के 10 बजे के बाद में यदि कॉम्प्लेक्स बंद होगा तो यहाँ पर अपार अंधेरा रहता है, लूट खसोट का डर रहता है। माताएं बहनों के लिए खासतौर पर बस्ती टाइम्स बीकानेर से क्राइम रिपोर्टर ठाकुर दिनेश सिंह भदौरिया अपने कैमरामैन जाकिर के साथ एक बार और पुनः पीबीएम प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं, कृपया इसमें सुधार करें। रात को भी महिलाओं के लिए कम से कम पेशाब घर तो खुला रखें, टॉयलेट भी खुला रखना चाहिए, ये सुविधाएं निःशुल्क, जब बड़ी बड़ी जाँचें 3-3, 4-4 हज़ार की फ्री हैं तो ये पेशाब के भी 5 रुपये लिए जा रहे हैं। बस्ती टाइम्स से ठाकुर दिनेश सिंह भदौरिया, जय हिंद जय भारत।